टू पंजाबीज इन वन टीम, तो फिर गलबात ही हो रहा है। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? वर्क लाइफ बैलेंस इन बिग फोर। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आई रियली बिलीव बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। मैं अभी बहुत गजब हूँ। मंडे सुबह मनाली से आया हूँ मैं, सुबह सुबह 6 बजे, जैसा कि आपको पता ही होगा अगर आपने वो वीडियो देखी है। नहीं देखी तो अभी देख लो जाके। मंडे पूरा ऑफिस का काम करा, पहली बार प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, काम मिला था हमें, आज है मंगलवार और आज सीधा उतरा हूँ मैं, और अभी भी मैं जा रहा हूँ ऑफिस है अंधेरे में टोपी पहन के। जी हाँ, एक्चुअल में मुझे बहुत सारी एडिटिंग करनी थी, तो मैंने सोचा कि अगर मैं आज रात बैठ के एडिटिंग करूंगा और सुबह 1-2 घंटे सो के मैं अपने घर से गुड़गांव के लिए निकलूंगा, तो मुझे 2 घंटे लग जाएंगे ट्रैफिक में और मेरी लेनी देनी हो जाएगी। सो बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि भाई अभी रात में निकल लो अपने दोस्त के फ्लैट पे जो गुड़गांव में ही रहता है। अभी देख लो जी, ये मेरा लैपटॉप बैग पड़ा है, वो मेरा दूसरा बैग पड़ा है जिसमें मेरे फॉर्मल्स, पगड़ी, जूते, बेल्ट, टाई, एवरीथिंग हैगा जी। तो बस जी ऐसा ही है कुछ, अपनी जिंदगी अभी ऐसी है, ऐसी शुरुआत हुई है, देखो आगे जाके कैसे होती है। तो अभी गाड़ी में गैस भी नहीं है, तो अभी हम गैस भराएंगे पहले और फिर हम जाएंगे गुड़गांव के लिए। 11 ऑलरेडी बच चुके हैं, अगर मैं आपको बता दूं टाइम, दिखा नहीं सकता क्योंकि मोबाइल से शूट कर रहा हूं मैं। भाई साहब 514 रुपए की CNG भरी है। मुझे अभी भी याद है कॉलेज के सेकंड ईयर में मुझे घर वालों ने हमारे घर में जो मारुति 800 सबसे प्यारी गाड़ी थी वो दी थी, और उसमें भी CNG लगवा के दी थी। वो गाड़ी मैं कॉलेज लेके जाता था नॉर्थ कैंपस, यहाँ से करीब 17 किलोमीटर होगा, और पूरा हफ्ता चलाता था मैं वो गाड़ी। पूरा हफ्ता चलाने के बाद जब CNG खत्म हो जाती थी तब भी उसमें मैक्सिमम CNG भरती थी 300 रुपये की। हद हो गई बताओ, इतनी महंगी हो गई है। और तब शायद 2900 रुपये पर KG होती थी CNG, अब तो भाई साहब ऑलमोस्ट डबल है। चुभती है अब CNG भी, पहले नहीं चुभती थी, अब चुभती है। लो जी फुद्दू कट गया है, हमारी गाड़ी का AC खराब हो गया है, गैस लीक हो गई है। मैं बड़ी देर से सोच रहा, हवा भी नहीं आ रही और ऊपर से बदबू आई जा रही है। चलो अब नया काम आ गया जी वीकेंड का। Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Isme to ji koi shak hai hi nahi. Haan, kya जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। तो अपना AC जो कल खराब हो गया था, अभी भी उसमें थोड़ी बहुत सांस बाकी है, तो मैंने फुल पे करके, देखो 4 नंबर पे करके, अभी हम उसके थोड़े से मजे ले पा रहे हैं। अपनी शर्ट हमने बचा ली है, अब बस ऑफिस पहुंचने वाला हूँ मैं। एंड ऑफिस पहुंचने के बाद आज हमें थोड़ा बहुत काम करना है, फिर काफी सारी मीटिंग्स है, फिर शाम के 4 से 5 बजे हमारे ही एक इवेंट है। इवेंट हाँ जी, कोई अपना टीम इवेंट था तो इसलिए खाना पीना बाहर से मंगवाया गया था, डिलॉइट अदरवाइज नहीं देता, तो इसलिए जब भी ऐसे इवेंट होते हैं तो खाना पीना बाहर से अच्छा आता है। तो मैं फोटो लिख डाल देता हूँ चिढ़ाने के लिए। हाँ जी, हमारा फर्स्ट डे, ऑफिशियल डे जो ऑफिस का है वो हो चुका है समाप्त। एंड हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे मित्र बैठे हैं,
शुभम छाबड़ा जी, सानू डेलॉयट ओरिएंटेशन से डी लॉन्च पे हमें मिले थे, तब हमारी हाय हेलो हुई थी शायद बस। अब हम एक टीम में भी है तो ये बहुत बढ़िया चीज हो गई, टू पंजाबीज इन वन टीम। तो फिर कल बात ही हो रहा है अब जानती हो जैसे कि। तो छाबड़ा साहब आपका पहले दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। पहला दिन सीखा तो ऐसे कोई वर्क प्रेशर भी नहीं सीखा, मजा पूरा आया, मजा पूरा है। स्वाद हुआ नहीं है बिल्कुल, मतलब स्वाद हम अपने आप ले लेते हैं भाई, मतलब सेगा है। ये देख लो जी, अगर आप ऑफिस आवर्स में अपने ऑफिस से बाहर निकलते हो तो क्या हालत होती है। जस्ट अभी गेट से बाहर ही निकले हैं हम, हमने कदम ही रखा था, सांस लिया था, लेकिन फंस गए जाम में। इसीलिए मैं हमेशा जब भी आया हूँ गुड़गांव, इस टाइम पे मैं अपने फ्रेंड के घर चले जाता हूँ जो गुड़गांव में रहता है, क्योंकि इस टाइम घर जाने का फायदा नहीं है, 2.5 घंटे फंसेंगे। इससे अच्छा 2.5 घंटे आप आराम कर लो, मेरे ऐसा बंदा एडिटिंग कर लेता है और भाई ऐसा बंदा अभी कहीं जाके पार्टी कर लेता है, भाई को भी हम एक पार्टी प्लेस पे छोड़ ही रहे हैं। अभी इस हफ्ते हमारा कुछ काम ज्यादा नहीं है, सिर्फ डिस्क्राइब हो रहा है काम, हमें कैसा काम करना है, तो इसलिए थोड़ा मौज में ही कट रहे हैं। और आज हम इसलिए आए थे क्योंकि आज एक इवेंट था, इवेंट होता है तो खाना फ्री में मिलता है और वो हम कभी मिस नहीं करते, बहुत बढ़िया खाना। थोड़ा उतारे हम उनकी जगह पे जहाँ मारूंगा बहुत। भाई से अभी हमने सब्सक्राइब ही नहीं कराया, भाई को तो शायद बताया भी नहीं था हम यूट्यूब पे ब्लॉग्स बनाते हैं, भाई को सीधा ही हमने ब्लॉग में ले लिया। जल्दी अल्फा सिंह डाल लो भाई, सब्सक्राइब कर लो और प्लीज आप भी कर लो, जैसे पिछली वीडियो पे 2 लाख व्यूज आ गए हैं, अगर उसके 10% लोगों ने भी सब्सक्राइब कर लिया होता तो तुम्हारे भाई का कितना भला हो जाता, बट नहीं, 1-2% ही लोग करते हैं। चलो क्या कर सकते हैं, हाथ ही जोड़ सकते हैं। अरे बाऊजी राम राम, ताऊ देवी लाले ताऊ, ताऊ जी रिस्पॉन्स ही दे रहे। चलो शुभम भाई का घर आ चुका है, शुभम भाई एंजॉय। ओके भाई मिलते हैं फिर। चलो अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? जाम लगा पड़ा है भाई बहुत ज्यादा। भाई सेम टू सेम मैं भी 2 किलोमीटर में आधा घंटा कवर करके आया। देखो गाइस मैं झूठ नहीं बोल रहा था, हर बंदा जो गुड़गांव में जॉब करता है और उसका कोई ना कोई यार दोस्त गुड़गांव में रहता है, वो अपने ऑफिस से निकलने के बाद उसी के घर पाया जाता है। लाइक एग्जाम्पल यादव जी रेगनाइज यादव जी फॉर्मल्स में, अदरवाइज आपने हम दोनों को हमेशा साथ में या तो सेम जैकेट्स में देखा है, अपनी कौन सी जैकेट्स में, राइडिंग जैकेट्स में, अभी पुराने ब्लॉग्स में, और आज आपने सेम हमारे फॉर्म्स में देख लिया। स्मार्टी बॉयज और नाइस चाय बनाओ यार अभी। हाँ जी देख लो, कपड़े मैंने चेंज भी नहीं करे हैं और आते ही मैं एडिटिंग पे बैठी हूँ। अनबॉक्सिंग ऑफ माय आईफोन, ये वाला ब्लॉग डल चुका है, हो सकता है मैं देख भी लिया हूँ, तो उस वाले ब्लॉग की एडिटिंग हो रही है। और अपना ऐसा लुक देख के शीशे में मुझे एक ना बात याद आई जो आज हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज मेरे 2 इवेंट थे, पहला जो मेरा टीम इवेंट था वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, जो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ उसका इवेंट। दूसरा एक और इवेंट था जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ उसके मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ हमारी ऐसी मीटअप था, एक इंटरेक्शन थी, बेसिकली क्वेश्चंस पूछने थे हमने, उन्होंने कुछ हमें ज्ञान देना था इस टाइप का। तो उनसे ना मैंने एक सवाल कर दिया, और एक्चुअली सवाल मेरा नहीं था, वो कुछ ज्ञानियों का सवाल था जिन्होंने मेरी वीडियो पे कमेंट करा था। कौन सी वीडियो पे? जो वायरल हुई है, माय फर्स्ट डे ऑफ सीए जॉब इन बिग फोर। क्योंकि उस वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि यार मेरी कंपनी जो मैंने ज्वाइन करी है ये बहुत फोकस करती है वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने पर। तो ये सुन के कुछ होशियार लोगों ने कमेंट करा था, वर्क लाइफ बैलेंस इन बिग फोर, ऐसे करके, मतलब टोंट मारते हुए मेरी बेइज्जती करते हुए। तो उनके लिए मैंने सवाल कर दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से, बहुत हायर लेवल की पोजीशन पे थे वो, और ऐसे बनता नहीं है करना, बट फिर भी मैंने कर दिया। मैंने बोला सर आप और ऐसे ही बड़े बड़े सीनियर्स हमारी कंपनी के सब बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपकी यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जब मैंने अपने सीनियर से बात करी या कलीग से बात करी जो ऑलरेडी इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनको जब मैंने बात बोली कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन होगा, तो वो बोले कि भाई ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ये सुनते ही सर ने पहले तो एक चीज़ कही कि उनको पकड़ कर मेरे पास ले आओ, और दूसरी बड़ी जायज बात बताई उन्होंने मुझे, जो मुझे काफ़ी हद तक सही लगी। उन्होंने बोला, जैसे कि मैंने उनको बताया था सर मैं भी स्पोर्ट्स मैन हूँ, तो उन्होंने बोला मान लो आप जिम करते हो, ठीक है, आपने जिम की फीस पे कर रखी है, आप सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मीटिंग्स कर रहे हो, काम कर रहे हो, कॉल्स अटेंड कर रहे हो, लेकिन आपको जिम जाना है शाम के 6 से 7 बजे, तो अगर आप अपने मैनेजर को बोलोगे ना कि भाई मेरे को 1 घंटे का बीच में ऑफ चाहिए क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी है, मैंने अपनी जिम की फीस पे कर रखी है, मुझे अपने वेलबींग का ध्यान रखना, तो आपको वो मना नहीं करेगा। इसका मतलब डेलॉयट आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस का एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे देता है, मैनेज करना आपके ऊपर है। जैसे कि
अब मैं इन कपड़ों में बैठ के ऑफिस से आया हूँ और मैं एडिटिंग पे बैठ गया। सो दिस इज हाउ आई एम मैनेजिंग, जो बिल्कुल सही बात है, मैनेज हमें खुद ही करना पड़ता है भाई, वर्क लाइफ बैलेंस। कोई भी दुनिया की ऐसी जॉब नहीं है जो आपको पैसा भी दे रही है और टाइम भी दे रही है, कोई भी नहीं है। हाँ जी, रात का 1 बज रहा है और घर पहुंच चुका हूँ मैं, पार्किंग में हूँ। बस अब घर जाना है, खाना खाना है, कपड़े बदलने हैं, नहीं पहले कपड़े बदलने फिर खाना खाना है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थाने पे ठाड़ा ठाड़ में आ गया अंगूठा। ओके बाय। क्या इसका नाम? किसका इसमें किसका नाम और बता रहा है? आपका नाम और उसके बाद मेरा नाम, उसके बाद इसके बाद इसका नाम, उसके बाद उसका उसका नाम, उसके बाद फिर आपका नाम। ठंड हुआ